तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का भी ड्रीम है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का और जो लोग अभी रिसेंटली 10th में चल रहे हैं या 11th में हैं या 12th में हैं या जिनने 12th पास कर ली है अब वो आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट्स लें जिससे हमारा जो आगे सपना है हमारा आईएएस आईपीएस बनने का वो उसको मतलब पूरा करने में हमें आसानी हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जो कि हर साल होता है और जिसके जिसके अगर सिलेबस की हम बात करें तो जिसमें आप जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से आते हैं और इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10th में हैं अब आपको 11th में सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आप आर्ट्स लीजिए और अगर आपके स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप वो रख लीजिए। अगर आपके स्कूल में पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है तो वो भी आप रख लीजिए। अगर आपके स्कूल में इकोनॉमिक्स अवेलेबल है सब्जेक्ट तो वो भी रखिए। इसी तरीके से जो बच्चे अब 12th पास हैं वो अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो भी अपने कॉलेज में अगर आपके पास ये चारों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं तो ये चारों आप रख लीजिए। अगर चारों में से आपको दो तीन भी मिल रहे हैं तो रख लीजिए क्योंकि जब आप ये चार सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो इससे आपका जो यूपीएससी एग्जाम है आगे जो आप देने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद उसको क्लियर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो आप जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए।